वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एम्स के बाद अब आईसीएमआर की वेबसाइट पर हैकर्स की नजर। जी हां, आईसीएमआर की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। एक दिन में 6000 बार अटैक किए गए, 6000 बार आईसीएमआर वेबसाइट हैक करने की कोशिश हैकर्स के द्वारा की गई है। 30 नवंबर को 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई। हांगकांग से आईसीएमआर वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एम्स का सर्वर हैक कर लिया गया था, जिसके बदले में हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे देने का जिक्र किया था। अब आईसीएमआर वेबसाइट पर हैकर्स की नजर है। आपको बता दें कि आईसीएमआर वो संस्था है जो कि सभी भारत के अंदर कोई भी वैक्सीन होती है, कोई भी दवा होती है, उसको फाइनलाइज करती है, उसको सर्टिफिकेट देती है, तभी वो मार्केट में आती है जांच होने के बाद। तो आईसीएमआर पर अब इन हैकर्स की नजर है, और ये सभी हैकर्स डार्क वेव के जरिए है जो सर्वर है उन्हें हैक करते हैं और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे की डिमांड करते हैं। 6000 बार इस पर अटैक किया गया आईसीएमआर वेबसाइट पर, उसे हैक करने की कोशिश की गई, क्योंकि आईसीएमआर में बहुत ज्यादा गुप्त जानकारियां होती हैं। भारत के सभी वैक्सीन और मेडिसिन की फॉर्मूलेस वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसे में ये वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है। और ये सब कुछ चल रहा था हांगकांग से।